अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ने हैं पार्ट टू की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर वन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सैंडविच थ्योरम किया था और उसके साथ क्वेश्चन नंबर थ्री था 1.3 का। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर देख लिया होगा और आपको समझ आ गई होगी। तो वो इंतहाई अहम थ्योरम था, लेकिन आज वाला थ्योरम वो भी सैंडविच थ्योरम की तरह बहुत अहम है। ये भी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, ठीक है, अक्सर पेपर में आ जाता है। तो आपने इसी तरीके से करना है और इसको भी यूज़ करके, ठीक है, आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आखिर पे तीन लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को लाइक कर दें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में आखिर पर अपना कीमती राय ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कहता है थ्योरम है हमारे पास शो डैट, हमें शो करना है कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1+1/n = होता है ई के, ठीक है। ये वाली चीज़ इसके बराबर होती है, इसकी यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे इसकी पावर एन भी आएगी, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये है एक जनरल स्टेटमेंट। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3n होगा ना, यानी हमारे पास अगर वो 1+1/n की पावर n, ठीक है, ये इक्वल टू ई होगा। अगर यहाँ पर 3n होगा तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर ना हो तो इसके डिवाइड में 3 होगा, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे चीज़ होगी उसका उलट यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे बटे में है ना 1/n, तो ऊपर उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए। अगर यहाँ पे है 9n, तो यहाँ पे भी 9n होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह 9/2n, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2/9n। यानी कि इसका उलट ऊपर पड़ा होना चाहिए उसके, समझ आइए आपको। यानी इसका उलट, यानी जो नीचे होगा उसका उलट, उसका रेसिप्रोकल ऊपर पड़ना चाहिए। तो फिर वो पावर किसके बराबर होगी, ई के बराबर होगी, ठीक है। वो सारा किसके बराबर होगा, ई के। अगर इसका नीचे वाले का, ये वाली चीज़ का, ये वाली चीज़ का यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल 1/n होता है, जो किसके बराबर होता है, एन, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, यानी कि जो पावर होगी वो इसका रेसिप्रोकल होगी, इसका रेसिप्रोकल की पावर होनी चाहिए। इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इसके यहाँ पावर होगी, तो फिर वो ई के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा उस वहाँ इस तरह रेसिप्रोकल यूज़ होने हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ये वाली चीज़ तो यूज़ नहीं होनी, तो आपने ये इसी तरीके से देख लेना है। तो वो कहता है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, इसको प्रूफ करना है। ये आपको पता है, अगर ये वाली एन टर्म्स हों तो हम इसे बायनोमियल थ्योरम से यूज़ कर सोल्व करते होते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है, पहले 1 आ जाएगा, फिर सेकेंड वाला पावर शुरू में एक्स, ठीक है, उसके बाद 1 का फैक्टोरियल होता है, उसके बाद यहाँ पे होता है पावर, पावर में से एक माइनस, और जो एक्स ये वाली चीज़ है जिसका स्क्वायर होता है, और 2 का फैक्टोरियल, ऐसे अब तो सोन चलता जाता है 4 तक, 5 तक, 6 तक, एन टर्म्स तक चलता है, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से ये एन एन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1+1 बच जाएगा। इसको हम 1/2 का फैक्टोरियल अलग कर लेंगे और इसको एन वाली टर्म को अलग कर लेंगे। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और एन का स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से एन स्क्वायर और ये एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखें ये एन, ये और ये से कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसकी पावर 2 बच जाएगी, ठीक है। अब 2 को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में देखें तो इसको हमने सोल्व किया, ये हमारे पास था, यहाँ पर करते हैं n-1/n, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं n/n, ठीक है, ये इसे कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 1, ठीक है। इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ये लिखा, उसके बाद इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो वो भी इस तरह बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो इसको ये एन स्केयर एन को एक एन इसके नीचे आ गया, एक एन इसके नीचे आ गया, ठीक है। ये आपको चीज़ समझ आ रही है ना, एक एन मैंने इसके नीचे ले लिया, एक एन इसके नीचे ले लिया, इस तरह ले लिया मैंने n-1/n, ठीक है, और मैंने ले लिया n-2/n, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर वही चीज़ बन जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे इसी तरीके से, जैसे ये मैंने सोल्व किया तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब हमने क्या करना है, टेकिंग लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेंगे, ठीक है, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अंदर हमने n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, तो वो क्या आता है, ER है, ठीक है। लिमिट हमारे पास जो होती है वो हमेशा क्या होगी, इसमें लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फाइनाइट, ठीक है। तो बाकी ये वाली चीज़ बननी चाहिए, तो अब देखते हैं अगले स्टेप में। तो ये चीज़ ये देखें, ये वाली चीज़ ऐसे आ गई, इसको इस साइड पर भी लिमिट दे दी, अब लिमिट अप्लाई किया, ठीक है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ऐसी आ गई, ये दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे एन की जगह इन्फाइनाइट पुट करते जाएंगे, और आपको एक चीज़ बता दूँ, 1/∞ या किसी भी चीज़ के डिवाइड बाई इन्फाइनाइट हो जाए, वो किसके बराबर होता है, 0 के। जैसे 1/0 किसके बराबर होता है, 1/0 इन्फाइनाइट का होता है, तो इसी तरह 1/∞ इसके बराबर होता है। इसका प्रूफ भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 1/1/∞ ये होता है ना, ये 1 0 पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0/1, तो ये कितना आ जाएगा, 0, इस तरह भी हो जाता है, ठीक है।
ये अलग चीज़ है, ये मैंने कर दिया ठीक है, मैंने को बता दिया। तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फाइनाइट ये आ जाएगा, इधर भी सारी जहाँ जहाँ एन वहाँ इन्फाइनाइट पुट करते जाएंगे, जो पुट करेंगे तो सोल्व करेंगे तो जो वो इन्फाइनाइट वाली जो टर्म होगी 1 डिवाइडेड बाई इन्फाइनाइट वाली वो सारी जीरो हो जाएंगी, और बाकी हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी ठीक है। ये टू वैसे आ गया, ये हाफ हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, 1 हाफ से मल्टीप्लाई आएगा तो यही चीज़ आ जाएगी ठीक है। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 6 ये वैसे ही आ जाएगा ये ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ टर्म, इसके बाद ये थ्री टर्म था लिया, 3 फैक्टोरियल तक अगर यहाँ पर 4 फैक्टोरियल ले लिया 1 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल ठीक है, फिर आप आगे आप टू 1 लगा दें ठीक है। तो वो 4 फैक्टोरियल वाली की है हमने ले लिया वैल्यू ठीक है, तो इसको सोल्व किया, बाकी ये वाली चीज़ तो वैसे ही आएगी 1 1 1 ठीक है। तो बाकी ये 1 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल ऐसे 5 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल वो काफ़ी लेंथ हो जाएंगे, हमने 4 तक ले लिया ठीक है। तो सोल्व करते वक्त 3 तक लेना है, जब आंसर निकाला है तब 4 तक लेना है ठीक है। उसके बाद सबकी वैल्यू कैलकुलेट की हमने कैलकुलेटर से, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 6 है तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 24, इसको जब वो करेंगे तो ये वाली चीज़ आएगी। अब इसको सबको ऐड करेंगे आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, और ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये हमारे पास ई के बराबर होती है। ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको इसका दूसरा नाम होता है एंटीलॉग, इसे एंटीलॉग भी कहते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं ठीक है। तो सारी चीज़ ई के बराबर आ गई, और यही तो हमने साबित करना था कि ये इसके बराबर होना चाहिए, तो हमने ये साबित कर दिया कि इसके बराबर है। तो इसी थ्योरम के रिलेटेड एक और डिडक्शन है ठीक है, उसका एक और प्रूफ बनता है, सिंपल है, वो भी यूज़ होगा आगे क्वेश्चन में ठीक है। 5 क्वेश्चन इसके रिलेटेड होंगे, 5 इसके रिलेटेड होंगे, या 4-4 होंगे इसी तरह, तो हम वो भी कर देते हैं अभी यहाँ पे डिस्कस, तो उसके बाद आगे चलते हैं फिर। तो इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए एक डिडक्शन हमारे पास आती है, कहता है ये प्रूफ करो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू जीरो, पहले क्या था एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस x की पावर 1 डिवाइडेड बाई n। अब देखिए यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, ये वाली चीज़ अंदर थी और ये वाली चीज़ बाहर थी ठीक है, और यहाँ पे जीरो था तो वहाँ पे क्या था, इन्फाइनाइट था, और ये e का बराबर था ठीक है, यही चीज़ थी। यहाँ पे उलट है उसका ठीक है, यहाँ पे वहाँ इन्फाइनाइट था, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई n था, उसने यहाँ पे x अकेला लिख दिया, यहाँ पे n अकेला था, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई x लिख दिया, उल्ट कर दिया उसका ठीक है। तो हमने वही नाउ डाउट, हम क्या जानते हैं, हमें ये पता है ना, ये वाला पिछला थ्योरम जो अभी हमने किया ठीक है, उसके उसके मुताबिक ये हम जानते हैं ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, लेट करते हैं जो x बराबर है इसके बराबर, इसको लेट कर x के बराबर कर लेते हैं लेट ठीक है। तो यहाँ से x की अगर वैल्यू निकाल, n की वैल्यू निकाले, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई x ठीक है। तो अब लिमिट भी चेंज करनी होगी, क्योंकि हमने एक्स एन वाले को एक्स में कन्वर्ट करना है, तो लिमिट भी चीज़ सारी बात चेंज होगी। तो अगर एन इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा ठीक है, यहाँ पे इन्फाइनाइट पुट करें, ये एक्स बराबर है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई n ना, तो यहाँ पे ठीक है अगर इसकी लिमिट निकालनी है, तो अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इसका मतलब क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 0 इन्फाइनाइट, तो ये किसके बराबर होता है जीरो के। तो एक्स किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा ठीक है। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, सो इसको लिख के दोबारा इसकी जगह पे ये वाली चीज़ की जगह पे ये वाली चीज़ आ जाएगी ठीक है, क्योंकि पहले एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट है, अब जो लिमिट चेंज की है तो एक्स अप्रोचेस टू किसको आ गया, जीरो को आ गया। अब देखें 1 वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 1 ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई n किसके बराबर है, यहाँ से देखें ये x के बराबर है, x आ गया। अब जो n है ये किसके बराबर है, ये n बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई x के, तो ये आ गया बराबर ही के। तो यही हमने प्रूफ करना था, ये सिंपल था, छोटा सा प्रूफ था, तो आपने याद रखना है। यहाँ पे भी देखें इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड x x है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई x ठीक है। ठीक है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, तो इसको इस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों थ्योरम समझ आ गए होंगे, इतना ही आसान थ्योरम है ये, शॉर्ट के तौर पे वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ठीक है, शॉर्ट के तौर पे आता है। और ये दूसरा जो हमने पहले किया बाइनोमियल थ्योरम के जरिए, तो वो कैसा है, लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सोल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, और उसके साथ आज की एक्सरसाइज ये ख़त्म करते हैं 1.3 ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं 1.3 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके अंदर ही सिंपली हमने ये वाला थ्योरम यूज़ करके हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं ठीक है, जो हमने दो थ्योरम किए हैं। तो देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई n की पावर 2 n ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n, उसका रेसिपी 1 डिवाइडेड बाई n है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, ये n होता है ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाई n होता है, ओ 1 बाई n का रेसिप्रोकल होता है n ठीक है। अगर तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या बनाना है, इसकी पावर में n बनाना है। तो n को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, इसको अलग करके लिख देंगे और 2 को बाहर निकाल सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि तो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही चीज़ बन जाएगी, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा, यही चीज़ बन जाएगी ना। जैसे हमारे पास होता है कि देखें a की पावर होती है 3 into 4 ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a की पावर 3 की पावर 4 ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 भी आ जाएगा, इसमें यही चीज़ बन जाएगी ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं किसी भी चीज़ को ठीक है, जैसे दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी कि a मल्टीप्लाई b ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ठीक है, ब्रैकेट के, बस यही किया, ब्रैकेट लगा के लिख दिया
पहले उसके ऊपर छोटी ब्रैकेट को उसको लिख दिया, उसको बड़ी ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया। अब ये वाली सारी चीज़ इसके बराबर है, ये हमारे पास ये हमने थ्योरम जो कि इसके बराबर है, ई के बराबर है, तो यहाँ पे ई पुट करेंगे उसका स्केयर आ जाएगा, तो ई स्केयर इसका आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक मिनट लगना है बस, हमने जल्दी जल्दी कर लेना है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर टू है, पार्ट नंबर टू के अंदर कहता है 1/(1/n), ठीक है। अब यही उसी की तरह, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/(n) का, 1/(n) का रेसिप्रोकल होता है n, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल n आएगा, तो n को इधर लिख लेंगे, बाकी जो 1/(1/2) से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ इसके बराबर होगी, e के e लिख दिया, और 1/(2) के बराबर होता है ये, उसके स्क्वायर रूट के बराबर होता है, तो ये चीज़ हमने लिख दी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, आसान है, बस आपने ये चीज़ बनानी है जहाँ पे e बन जाए, जो ये नीचे पड़ा होगा उसका रेसिप्रोकल ऊपर बनाना है, इसका रेसिप्रोकल बनाना है, पावर का रेसिप्रोकल नहीं बनाना, इसका रेसिप्रोकल जो होगा उसको पावर बनानी है, ठीक है। वो अगर आपने इसका रेसिप्रोकल पावर में लिया है, उसके बाद वो ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ का रेसिप्रोकल, ये जो दूसरी टर्म है इतनी वाली का, ठीक है, इसको आपने इसका जो रेसिप्रोकल अगर पावर में लिया है तो वो सारा ई के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह आपने हर क्वेश्चन में करे जाना, आगे करते हैं। उसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 3 है, ये है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस इसके साथ आने के साथ ले आएंगे और इसको वैसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मिड में प्लस होना चाहिए, ये वाली शर्त क्या है, ये प्लस होना चाहिए, एन इट्स बनाए को अप्रोच करें, ठीक है, ये मिड में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और इसका रेसिप्रोकल ये वाले स्टर्म का इस ऊपर उसकी पावर में पड़ा हो, ठीक है। तो इसको हम इसके साथ लिख देंगे, अब इसको ये ऊपर एन है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/(-n) का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो होगा -n। तो माइनस बना लेंगे, क्या करेंगे, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दो दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, बाहर भी और अंदर भी, दोनों को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये देखो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे एन आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ ऊपर वाली दोबारा बन जाएगी, इसको अगर सोल्व करें तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखें, अब ये सारी इसका रेसिप्रोकल ये एन फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, मिड में माइनस है, इसका रेसिप्रोकल ये पड़ा हुआ है इसकी पावर में, ठीक है, ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, ये सारा ई के बराबर आ जाएगा, पावर वैसे भी आ जाएगी, और ये आपको पता है जो पावर माइनस में होती है उसे बटे में लिख देते हैं, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 4 है, वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एन इनफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 1/(1) प्लस भी है इनके मिड में, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/(3)n का रेसिप्रोकल होता है 3n होता है, ठीक है। तो इसकी पावर में सिर्फ n पड़ा है, हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, अगर इसको कैंसिल करें तो ये वाली चीज़ बन सकती है, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये वाली चीज़ इसका पावर का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल आ गया पावर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसके बराबर आ गई, ये ई के बराबर आ गई, इसकी पावर 1/3 आ गई, और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है यार, इसमें क्या मुश्किल है, कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। अब इसका पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 के अंदर वो कहता है कि 1/(4)n की पावर n है, ठीक है। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होगा 4/(n) का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा n/4, ठीक है। ऊपर तो सिर्फ n पड़ा है, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड वाला है उसे अंदर लेंगे, जो मल्टीप्लाई वाला ऊपर ले जाए, इसको इसे कैंसिल करेंगे तो ये वाली चीज़ बड़ा बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल भी पड़ा हुआ है, ये इनफिनिटी को अप्रोच कर दिया, ये 0 मिड में प्लस भी है, तो सारा किसके बराबर आ जाएगा, ये सारा ई के बराबर आ जाएगा, ई की पावर 4, ये इसका आंसर है। बस एक लाइन में बस इसका जवाब है, बस दो स्टेप के क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबे छोटे नहीं है। उसके बाद अब देखें हम दूसरा थ्योरम आ गया जो हमने छोटा किया था, जो शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 3x है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3x, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल होगा ना, लेकिन हमारे पास पावर में क्या पड़ा हुआ है, पावर में पड़ा हुआ है 2/x, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6/(3x), ठीक है। तो हम 1/3x को अलग लिख लेंगे, ठीक है, तो इसकी ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो इसको इस तरह लिखा है, ये वाली चीज़ पहले हमने ये वाली चीज़ बना ली, 2 को बाहर ले गए, अब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये देखें जहाँ डिवाइड या मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो आगे क्या किया हमने, ये वाली सारी चीज़ के बराबर ई के बराबर आ गई, क्योंकि ये वाली चीज़ ये 0 को अप्रोच कर रहा है एक्स की, ठीक है, मिड में प्लस है और इसका रेसिप्रोकल ये इसकी पावर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर इसका आ जाएगा, ई की पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद पार्ट नंबर 7 करते हैं इसका, तो इसका पार्ट नंबर 7 है, उसके अंदर भी यही चीज़ है, देखें 1/(2x)2 है, ठीक है, उसके बाद में ये वाला लिखा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2x2 का, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/(2x2), ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड किया, डिवाइड वाले को अंदर ले लिया और मल्टीप्लाई को बाहर ले लिया, अगर इसको कैंसिल करेंगे ये चीज़ बन जाएगी ना। तो देखें अब ये वाली सारी चीज़ इसके बराबर है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, मिड में प्लस है, इसका रेसिप्रोकल ये ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा और सुपर स्केयर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। और उसके बाद इसका पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8 के अंदर वो कहता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1, ये मिड में तो क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 2h का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/(-2h), ठीक है।
ये हो रहा है आ जाएगा, ठीक है इसका रेसिप्रोकल। तो इसका यहाँ पे लेकिन ऊपर तो 1/h पड़ा हुआ था, हम क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब इसको देखें 0 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे प्लस आएगा और ये यहाँ पे ब्रैकेट एक अलग आएगी, ठीक है, यहाँ ये प्लस आएगा, ठीक है। तो इसका लिमिट में प्लस भी है, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल भी बड़ा हुआ है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको ये -2 है, इसे बटे में ले आएंगे, ठीक है। तो ये 1/e^2 इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 9 है। अब इसका पार्ट नंबर 9 नहीं, पार्ट नंबर 9, 10 और 11, ये तीन पार्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसी तरीके से करने हैं, यही ज़्यादा पेपर में आते हैं, ठीक है। बाकी तो कम पूछता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट नंबर 9, 10 और 11, ठीक है, ये तीन इसके पार्ट बहुत अहम है, आपने इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। लिमिट एंड एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, आगे क्या होता था, एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या है, अगर एन इक्वल टू हम एक्स लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उसने ये चीज़ की है, एन इक्वल टू एक्स लिया हुआ है, ठीक है। यह चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है, आपने ये नहीं कहना कि यहाँ तो एक्स आ रहा है तो एक्स तो 0 को अप्रोच करता है, ये वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आपने ये चीज़ देखनी है कि बन क्या रही है, उसमें चीज़ बनती है 1+n या x, ठीक है। इसमें चीज़ बनती है 1+1/n, अगर ये वाली चीज़ बनेगी तो ये किसको अप्रोच करेगी, ये n अप्रोचेस टू, यहाँ पे ये n या x जो भी होगा वो इनफिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर 1+1/n होगा। अगर 1+x होगा या 1+n होगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, x भी 0 को अप्रोच करेगा, n भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ बनेगी तो 0 को, अगर ये बटे वाली बनेगी 1+ तो ठीक है, तो इसमें इनफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये यहाँ पे ये 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, ये अगर ये वाली चीज़ बनेगी। तो आपने ये अच्छी तरीके से याद रखना है। अब करते हैं इसका ये वाला क्वेश्चन, अब इसको सोल्व करने का देखें, अगर इसको सोल्व करने डायरेक्ट सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि यह कट ऑफ नहीं होगा, हम क्या करेंगे इसको उल्टा देंगे, उल्टाने से क्या होगा, ठीक है। तो इसको बटा चेंज करने से तो ये माइनस में चले जाएगी, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है, ये माइनस वाली पावर आ जाएगी इसकी -x, ठीक है। तो देखा जाए जब ये चीज़ आ गई, अब इसको हम कैंसिल ऑफ कर सकते हैं, अकेला अकेला करके देख सकते हैं, उसके बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी मेरे जो 1+1/x की पावर x और ये माइनस हम बाहर निकाल देंगे। देखें एन एक्स ये इनफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मिड में प्लस है, ये इसका रेसिपी के ऊपर पड़ा हुआ है, जो इसके बराबर आ जाएगा सारा, ये ई के बराबर आ जाएगा और इसकी पावर -1 आ गई, और ये आपको बताया इसको बटे में ले जाते होते हैं, ठीक है, तो ये वही आ जाती है। अभी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 10 है, ये इंतहाई अहम पार्ट है, बहुत दफ़ा आ जाता है, अक्सर लॉन्ग में पूछ लेते हैं, छोटा सा है लेकिन लॉन्ग में पूछ लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से करना है, तो ये देखें इसको अप्रोच कर रहा है, उसने दिए हुए हमें लिमिट दी हुई है कि लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, उसने एक कंडीशन दी है, उसने कहा जो एक्स है वो लेस देन 0 है। आपको एक बात यह आपने हमेशा याद रखनी है, लेस देन का मतलब होता है, अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है, नेगेटिव की है, ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब चीज़ क्या है, पॉजिटिव की है, ठीक है। अगर वो 0 को इक्वल है तो वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है, वो पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी 0 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, जो 0 से चीज़ बड़ी होगी, अब 0 से बड़ी जो चीज़ होती है वो 1, 2, 3 तो वो पॉजिटिव की होती है, और 0 छोटी अगर कोई चीज़ है वो क्या होती है, -1, -2, -3 इस तरह होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो 0 से छोटी होगी, लेस देन 0 इसका मतलब क्या होगा, वो छोटी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, एज एक्स इज लेस देन 0 सो पुट एक्स इक्वल टू -x, क्यों पुट करेंगे, क्योंकि जब 0 से छोटा होगा, जब x 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव का है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है हम नेगेटिव x पुट कर देंगे। अगले स्टेप में देखिए ज़रा, देखें जहाँ जहाँ 0 x आ रहा है वहाँ पे हमने माइनस पुट कर दिया, ठीक है, इसकी वजह से पावर इसकी माइनस में हो चुकी, ठीक है। अब हमने लिमिट पुट करनी है, x अप्रोचेस टू 0 है, ठीक है, लिमिट पुट की 0 आ गई, ठीक है, यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है। तो जो आपको पता है 1/0 किसके बराबर होता है, -1/0, 1/0 इनफिनिटी होता है, साथ माइनस है तो -1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस वाली आ गई। तो अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास अगर इसको अगर सोल्व करें तो ये इसके 0 को बराबर होती है, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि ये माइनस में आना तो ये इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है 1 के डिवाइड में e^∞ का मतलब क्या है कि 1/∞, ठीक है, क्योंकि इनफिनिटी बन जाएगी ना, किसी भी चीज़ की पावर इनफिनिट हो तो वो कितनी बड़ी रकम बन जाएगी, बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। तो उस जब 1 के डिवाइड में एक मसाल 1 के डिवाइड में अगर 1 करोड़ आ जाए, ठीक है, ये इतने आ जाए 0, तो वो क्या हो जाएगी, तो 1 तो 0 को ही अप्रोच करेगा अप्रोक्सीमेटली, तो सारा 0 के बराबर आ जाएगा, इन दोनों को 0 के बराबर लिख देंगे, ये इस तरह आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद इसका -1 आंसर आ जाएगा, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 11 है, लास्ट पार्ट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से देखना है, इसमें अंदर देखें उसने वही चीज़ दी हुई है, बस उसने कहा यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है,
ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि एक्स एक्स ही रहेगा, वो नेगेटिव वाला पुट नहीं करेंगे। तो लिमिट यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ इसको कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इन दोनों को कॉमन लिया, बाकी वन बच गया इधर। यहाँ पे जब आपको पता है जब कॉमन नहीं होता तो वो डिवाइड में आ जाता होता है, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने ये डिवाइड में आ गया, यहाँ पर डिवाइड में आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में ये वाली चीज़ बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ये वाली चीज़ को, ठीक है। वन डिवाइडेड बाई ई की पावर वन बाई एक्स है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगी, ई की पावर वन, ये माइनस में आ जाएगी। इसकी पावर माइनस में आ जाती होती है ना जब ऊपर लेके जाते हैं, जब ऊपर लेके जाएंगे ये माइनस में इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। तो अगले टाइम में हमने इसे माइनस की पावर में लिखना है। तो देखिए इसको हमने माइनस में लिख दिया है, ठीक है। ये चीज़ हमने की है, वो नीचे प्लस में थी ऊपर आके माइनस की होगी। अब जीरो पुट करेंगे एक्स की, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पर हमने क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। जीरो पुट किया, जीरो पुट करने के बाद ये आपको बताया इनफिनिटी के बराबर होता है, ये आपने पिछली मैंने आपको बता दिया किस तरह जीरो के बराबर होता है, जीरो पुट करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद इसका वन आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर किया करें, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ देखा करें, ताकि मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ, ठीक है। मैं आपके रोज़ाना वीडियो बनाता हूँ डेली बेस पे लेक्चर्स की, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, ठीक है। तो मैं कुछ दिनों तक अपना जो पर्सनल नंबर है वो भी मैं अपने अबाउट में दे दूँगा, ठीक है। तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म का मसला हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो तक तो याद रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा।